माई ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हम लोग है उत्तर भारत के ऐसे एक राज्य में जिसको देवभूमि के नाम पे भी जाना जाता है। सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। इस जर्नी का शुरुआत कोलकाता के हावड़ा स्टेशन से हुआ था। ऐसे तो इस जर्नी की शुरुआत बहुत ही पहले मेरे मन में हो गया था। ऐसे ये ट्रिप मेरे लिए दोबारा था 2015 के बाद, बट जो एक्साइटमेंट और जो फील मैं फील कर पा रहा था वो शायद ही आपको बातों से बयां कर पाऊँ। दुनिया में कुछ कुछ जगह ऐसा है जो कि हमें अपने ओर बार बार आकर्षित करता है। इसका एक कारण हो सकता है कि जो अपने डेली 9 to 6 वाला लाइफ से कुछ अलग पाने के लिए और कुछ अलग करने के लिए जो चाहत रखते हैं उसका, और मे बी लव फॉर द नेचर। ऐसा एक जगह है वैली ऑफ फ्लावर्स, जो कि उत्तराखंड की चामोली डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ है। उत्तराखंड जो कि भारत के उत्तर में बसा हुआ है। उत्तराखंड की पहले नाम हुआ करता था उत्तरांचल। इस ब्लॉग में हम लोग जानेंगे कोलकाता से वैली ऑफ फ्लावर्स की जो जर्नी हम लोगों ने पूरी की है वो कैसे किया है, वैली ऑफ फ्लावर्स कब जाना चाहिए, हम लोग कैसे पहुँच सकते हैं, इसके बारे में इन डिटेल इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। 11 अगस्त 2022 इस जर्नी की शुरुआत हुआ था हावड़ा से, जो देर दिन की ट्रेन सफर के बाद हम लोग हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार स्टेशन में आप अगर ट्रेन से सफर कर रहे हो, आपके पास दो चॉइस है। आप हरिद्वार पहुंच सकते हो और ट्रेन में आप ऋषिकेश भी पहुंच सकते हो। नमस्ते माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। अभी मैं हरिद्वार में, हरिद्वार स्टेशन में आप देख पा रहे हो, तो यहीं से हम लोगों का वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए ट्रैक शुरू होगा। आगे चलते हुए देखेंगे कैसा करता है हम लोगों का 2022 में अगस्त में वैली ऑफ फ्लावर्स। स्टेशन में हम लोग खड़े हुए हैं, पीछे है हरिद्वार स्टेशन। 12 अगस्त करीब 4 बजे के करीब हम लोग हरिद्वार पहुंचे थे। हरिद्वार पहुंचने के बाद जो एक दिन का हम लोगों को जो एकोमोडेशन था, हम लोगों ने ये धर्मशाला, जो मारवाड़ी धर्मशाला के नाम पे जाना जाता है, जो स्टेशन के बहुत करीबी है, हम लोगों को एक रूम के लिए 400 रुपीज पे करना पड़ा था, जो एक रूम में आप लोग 4 आदमी इजिली एकोमोडेट हो सकते हो। शिवाय शंकरा नमो नमो
हरिद्वार का अर्थ है हरि, जो ईश्वर का दर भी होता है। আমরা এখন হরিদ্বারে ঘাটে রয়েছি, দেখতে পাচ্ছ তোমরা পিছন দিকে হরিদ্বারে যে গঙ্গা, এই ঘাট। पौड़ी, ये है हरिद्वार का सबसे पवित्र घाट। हिंदू धर्म का जो चार धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री का जो शुरू, वो हरिद्वार होके ही शुरू होता है। काफी पुराणों में ऐसे बोला गया है, यहाँ पे भगवान विष्णु आए थे। भगवान विष्णु की चरण स्पर्श होने के कारण इस जगह का नाम हरि की पौड़ी, जो कि बाद में हर की पौड़ी नाम में भी जाना जाता है। का बाद वाला पुल को हम तो बिहार। सामने जो घंटाघर है, इसको राजा बिरला घंटाघर के नाम पे भी जाना जाता है। हरिद्वार में रात बिताने के बाद हम लोगों को निकलना था नेक्स्ट मॉर्निंग हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन जोशीमठ के लिए, जो कि हरिद्वार से 271 किलोमीटर की दूरी पे है। आज है 13 अगस्त 2022, सुबह की 8 बज रहे हैं। ये दूरी हम लोगों को पूरी करने में 10 घंटा लग गया था बाई रोड। अगर आप भी ट्रैवल कर रहे हो तो यहाँ पे बस का और शेयर टैक्सी का भी ऑप्शन है, जो आप ऑप्ट कर सकते हो। আজ 13 আগস্ট স্যাটারডে 2022, অ্যান্ড ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্সের যে ট্রেকিংটা আমরা শুরু করেছিলাম হরিদ্বার থেকে, সেটার আজকে সেকেন্ড ডে। আমরা হরিদ্বারের মর্নিং 8টার সময় বেরিয়েছি যোশীমঠের জন্য। 275 কিলোমিটার্সের জার্নি, মোর দ্যান 8 আওয়ার্স লাগবে আমাদের গাড়িতে। তো একটা মিডিল পয়েন্টে ঋষিকেশের থেকে জাস্ট একটু ওপরে, আই থিঙ্ক ইটস অ্যারাউন্ড হরিদ্বার থেকে 50 কিলোমিটার্স, এখানে আমরা একটা হল্ট দিচ্ছি। আর এই মুহূর্তে আমরা একটা ব্রেকফাস্ট নেব, অ্যান্ড দেন উইল স্টার্ট আওয়ার জার্নি এগেন। তো এর মাঝে মাঝে আমরা আপডেট দিতে থাকবো যে কীভাবে যাচ্ছি, কী করছি না করছি। তো টাইম ফর ব্রেকফাস্ট, তো ব্রেকফাস্টে দেখি আমরা কি খাচ্ছি। আলুর পরোটা, দই অ্যান্ড সবজি, খালি প্লেটে শুধু ম্যাগি। देवप्रयाग, जो भूमि है श्री रामचंद्र की, जहाँ पे है भारत का सबसे पवित्र संगम, जहाँ पे दो नदी भागीरथी एंड अलकनंदा गंगा के शुरू यहीं से माना जाता है। Thank you.
जोशीमठ पहुंचने के लिए सबसे करीब जो एयरपोर्ट है वो है देहरादून की एयरपोर्ट, जो जॉली ग्रैंड के नाम पे भी जाना जाता है, जो बाई रोड आपको देहरादून होके गोविंद घाट तक पहुंचना पड़ेगा। ভাগীরথীর পাহাড় ধরে আমরা এগিয়ে চলেছি। আমরা এখন রুদ্রপ্রয়াগের জাস্ট একটা সঙ্গমে দাঁড়িয়ে রয়েছি। এখন টাইম হচ্ছে 2:00। আরো কাছ থেকে গঙ্গাকে দেখবো। কি অপরূপ সৌন্দর্য প্রকৃতির! আগে
সঙ্গমের কাছে রয়েছি আমরা, ভাগীরথী রিভার। অপরূপ সৌন্দর্য প্রকৃতির, গঙ্গায় ভাগীরথী। ভাল লাগছে মা, হেভি লাগছে, হেভি। ওখানে চলছে পনির, রুটি, সবাই খুব ব্যস্ত খাবার খেতে। এখন বিকালের 4টে বাজে, আর 4টের সময় আমাদের এখন লাঞ্চ টাইম। তো আমরা রাস্তায় একটা ছোট ধাবাতে দাঁড়িয়ে আছি, ধাবাটাকে দেখাচ্ছি। সো অল ভেজ ফুড এখানে, আমরা জেনারেলি থালি আর রুটি, পনির, মটর, আলুর সবজি প্রেফার করছি। গোল্ডেন আওয়ার্স টাইম শুরু হয়ে গেছে, আর আমরা দেখতে পাচ্ছি বাইরে।
इसी रास्ते से हम लोग चल पड़े थे हम लोगों का अगला डेस्टिनेशन जोशीमठ। जोशीमठ गेटवे है बहुत सारे हिमालयन माउंटेन क्लाइंबिंग और ट्रेकिंग रूट का, जहाँ से आप बद्रीनाथ भी जा सकते हो। आदिगुरु शंकराचार्य ने 509 BC से 477 BC के अंदर जो चार मठ बसाए थे, उसमें से साउथ में है सिंगेरी, वेस्ट में है द्वारका, ईस्ट में है जगन्नाथपुरी और नॉर्थ में है ज्योतिर्मठ, जो कि जोशी मठ के नाम पे जाना जाता है। जोशीमठ शहर बसा हुआ है उत्तराखंड के चामोली डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ के पॉपुलेशन है 17,000 और सी लेवल से 6,001 फीट की हाइट पे बसा हुआ है। हम लोगों को चलते चलते करीब 12 घंटा हो गया था। हम लोग 8:30 बजे जोशीमठ पहुँचे, उस दिन रात वहीं पे रुके और नेक्स्ट दिन हम लोग वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए निकले। मुख बांधी भी पोरन।